अभी बच्चे मेरे पीछे थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की। अभी लग रहा है थोड़ा सा जग गए आप लोग। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्णिया रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष स्वामी जी, स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, अन्य समस्त मेहमान, स्कूल के संचालक, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और प्यारे बच्चे अभिभावक, बच्चे लोग 5 मिनट बाद सुनेंगे। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाने आए हैं यहाँ। इसको युवाओं का दिन मनाता है। आप लोग सब बड़ा होना चाहते हैं क्या? तो बड़ा होने के लिए क्या लगता है मालूम है? अच्छा इंसान बनने के लिए, या किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में आपको सक्सेस मिलना है तो क्या लगेगा? अगर मैं आपको प्रश्न पूछूंगा तो आप कहेंगे बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए। मैं कहूंगा उससे नहीं होने से भी चल जाएगा। आप कहेंगे मेहनत चाहिए और कुछ चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनमें से कोई भी किसी फील्ड में बड़ा होना चाहते हैं, जो सक्सेस होना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज आवश्यकता है आत्मविश्वास। खुद के ऊपर विश्वास रहना चाहिए। अगर हम लोग खुद के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते हैं तो बड़े बन नहीं सकते हैं। जो कोई व्यक्ति बड़े होते हैं उनमें और हम में अंतर उतना ही है। उनको भी 2 हाथ ही है, 2 पैर ही हैं, लेकिन वो क्यों सक्सेस हुए? पढ़ाई के कारण नहीं हुए, उनका खुद के ऊपर विश्वास था। और उसके पहले हमको एक चीज जानना चाहिए कि हम में खुद में क्या क्षमता है। अगर आप स्वामी विवेकानंद जी का आदर्श लेना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी बड़े क्यों हुए इसको हमको खोजना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमको हमारे बीच में खोज के निकालना पड़ेगा कि हम में ऐसे क्या कौशल है, क्या गुण है, क्या क्वालिटीज हैं जिससे हम बड़े बन सकते हैं। आप में से कोई अच्छा चित्रकार बन सकता है, कोई खिलाड़ी बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, तो हम में क्या खूबी है, हमें क्या अच्छाई है, उसको खोजना है। और उसी के ऊपर ध्यान देके उसको अगर मेहनत करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमको खुद को खोजना है मतलब कवर निकालना है। कवर निकालना उसको डिस्कवर बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वही शक्ति सब में विद्यमान है। अंग्रेजी में कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हमारे में सब में वो दिव्य शक्ति है, बस उसको हमको खोज के निकालना है। एक बार वो शक्ति हमको अगर मिल जाती है और पता चलता है तो दूसरी सीढ़ी आती है, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। जो भी आप बड़े बड़े खिलाड़ी देखते हैं, वो खिलाड़ी आप अगर ठेला चलाने वाले या स्टेशन में कुली देखते हैं, उनसे ज़्यादा पसीना उनको बहाना पड़ता है, उनसे ज़्यादा मेहनत उनका करना पड़ता है। जो कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक देखते हैं, दिन रात उनको काम करना पड़ता है तभी जाके वैज्ञानिक बनते हैं। तो आप में से जिसको से वो बड़ा बनना है तो हमको ये 2 चीज़ की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। पहला है अपने को, खुद को पहचानना, खुद में क्या गुण है उसको खोजना, और उसके साथ साथ उन गुणों के अनुसार अपने को बनाने के लिए, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमको बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगा। और ये कहाँ से मिलेगा आपको? अगर आप स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा। बाकी स्कूल जो कटिहार का अपना अरेडिया में बहुत सारे स्कूल है, उन स्कूल और आपके स्कूल में अंतर वही है कि बाकी स्कूल में शिक्षा तो देते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है, लेकिन आपके स्कूल में आपका खुद का विकास करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के विचार बताए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के विचार से हम चलेंगे तो निश्चित है। आप लोग देखिए कि स्वामी विवेकानंद जी, जिनका नाम नरेंद्र था बचपन में, हम लोग थोड़ा सा उनकी 2-4 कहानी जानते हैं और जानते हैं कि वो अमेरिका गए, विदेश में भाषण दिया और कुछ गरीबों के लिए काम किया।
लेकिन नरेन से विवेकानंद बनने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या करना पड़ा। तो मैं हर साल यहाँ कहता हूँ कि युवा जो वही हैं जिनके मन में दो प्रश्न रहते हैं। युवाओं के मन में पहला प्रश्न आता है क्यों, वाई, हर चीज में उनके मन में जिज्ञासा आता है। बचपन में हम हर चीज में विश्वास करते हैं, लेकिन युवा होते हैं तो हर प्रश्न में हमारे मन में जिज्ञासा होती है जानने की। तो जिसके मन में क्यों प्रश्न आता है वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो बैठा रहेगा। और एक प्रश्न है कि अगर किसी को बताया कि ये फलाना काम करना है कौन करेगा, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे काम है, भाग जाएंगे। लेकिन सही में युवा होगा तो बोले हाँ क्यों नहीं, हम करेंगे। तो क्यों और क्यों नहीं है जिसके मन में आता है वही युवा होते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आ गए। प्रश्न आ गए तो उन्होंने उसका उत्तर खोजने का प्रयास किया। उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि चलो हमारे दादाजी करते थे, पापा करते थे, इसलिए हम भी उसको मानेंगे। उसको तो मानेंगे लेकिन सही से उसका अर्थ निकाले। वो खोजते खोजते भगवान श्री रामकृष्ण के पास गए और उन्होंने ये भी संबोधित, जब उन्होंने सब सीखा श्री रामकृष्ण के पास, उनको लगा कि इस ज्ञान को समाज के पास पहुँचाना चाहिए। और समाज में, हमारे देश में इतनी गरीबी, इतनी समस्या है, उसको लोग सुनते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने ये रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण संघ है, इसको निर्माण किया, इसका उत्तर खोजा। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका से आए थे तो कुछ भी नहीं था उनके पास। अमेरिका जब गए थे तब भी कुछ नहीं था और छोटा सा कपड़े शरीर में लेके वो चलते थे बस। लेकिन हिम्मत के बल पर उन्होंने अमेरिका जाके और भी लोगों से करके धन जमाया, लोगों को इकट्ठा किया और रामकृष्ण संघ काम शुरू कर दिया। आज 22 देशों में रामकृष्ण मिशन काम करता है, इतने बड़ी संगठन चल रहा है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव तब हुआ कि युवावस्था में उन्होंने इसके बारे में सोचा। बहुत लोगों को लगा होगा अरे गरीबी है, दुख है, किसी ने कविता लिखी थी वो भी काम किए हैं प्रेरणा देने के लिए, लेकिन वहीं तक ही सीमित रहा। उसका उत्तर किसी ने खोजा नहीं और खोजने से भी खुद उसमें कूद पड़े स्वामी जी, ऐसा नहीं कि उन्होंने बस मार्गदर्शन किया तो वो कूद पड़े। तो आप लोगों को सबको, हमको अगर सचमुच स्वामी विवेकानंद के विचारों में चलना है तो हमको ये सब करना पड़ेगा। दूसरी बात चाहते आते बताता हूँ, एक मिनट बात है कि यहाँ बहुत सारे अभिभावक हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप लोगों को प्रार्थना है कि आप लोग और मैं भी हर साल यहाँ जो बात बोलता हूँ कि मोबाइल से आदि हो गए हैं और बहुत सारा व्हाट्सएप में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जरूर देखिए सुनिए, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन किस चीज़ के ऊपर विश्वास रखना है हमको मालूम नहीं है। और हम ऐसी चीज़ों के विश्वास रखते हैं जिससे हम समाज में गलत धारणाएं निर्माण होते हैं, करते हैं और उसमें सहायक होते हैं। तो अगर हम नहीं ठीक से करेंगे तो हमारे बच्चों को हम नहीं दे सकते। केवल हम कोई किसी को संदेश बेच के, स्वामी विवेकानंद जी का चित्र बेच के विवेकानंद जी जयंती नहीं होता है, हमको बच्चों को देने के लिए अपने में खुद में लाना पड़ेगा। तो आप लोगों को भी प्रार्थना है कि स्वामी विवेकानंद जी की जो किताब हैं, छोटे छोटे किताब पढ़िए, या आजकल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपके व्हाट्सएप में, यूट्यूब में अच्छे अच्छे, लेकिन सही जानना चाहिए। क्योंकि आज व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज आएंगे जो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से लिखे होंगे, नहीं होंगे, उसको सही खबर लेके। रामकृष्ण मिशन से बहुत सारे भाषण, पत्रिकाएँ पब्लिश होती हैं, वो सब आजकल यूट्यूब में मिलेगी आपको चैनल पर। उन रामकृष्ण मिशन के बहुत सारे स्वामी जी भाषण देते हैं, वो भाषणों को आप सुनिए और स्वामी विवेकानंद जी को आप जानिए। अगर आप जानेंगे तभी कहीं जाके आपके बच्चों को आप सिखा सकते हैं। नहीं तो मेरे पास रोज 5 से 10 अभिभावक आते हैं, महाराज जी बताइए ना, बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। और अभिभावक 9वीं 10वीं बच्चे के नहीं, 1वीं 2वीं के बच्चे के भी आते हैं। इसका कारण बच्चों का बिल्कुल दोष नहीं है, दोष हम लोग का है कि हमने उनको सही कुछ मार्गदर्शन नहीं किया। तो हमको मार्गदर्शन करने के लिए खुद को कुछ जानना पड़ेगा। तो मैं आज स्वामी विवेकानंद जयंती में इतना ही आपको बता दूं बच्चों को कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और अपने क्या गुण हैं, क्या क्वालिटी है, उसको देख लीजिए और उसके अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और अभिभावक लोगों को कहूँगा कि आप उनको मार्गदर्शन के लिए खुद को तैयार कीजिए। मुझको यहाँ बुलाया आज भाषण देने के लिए, कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहने के लिए बोला। मैं यहाँ के संयोजक और प्रधान जी से बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ
मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ इसी प्रार्थना के साथ कि यहाँ के सब बच्चे एक दिन बहुत अच्छे इंसान बने। नमस्कार।